पहले प्रधानमंत्री ने 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बांटे। मोदी ने पैसे ही नहीं दिए, दिवाली बोनस भी दिया। ये बोनस किसानों के नाम पर है, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक देश के किसान ही है। आज किसानों के खाते में केंद्र की मोदी सरकार बड़ी सौगात देगी। करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के खाते में जारी करेगी। साथ ही किसानों को खेती करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार 28,500 रुपए की धनराशि भी किसानों के खाते में जारी करेगी। तो कौन किसान है जिनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 28,000 रुपए की धनराशि जारी किए जाने वाले हैं? आप सभी किसान भाइयों को बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्तें हैं, सालाना 3 किस्तें किसानों के खाते में दिए जाते हैं। वहीं इस समय कयास लगाया जा रहा है कि किसानों के खाते में 4 किस्तें सालाना मिल सकती है, यानी कि 8,000 रुपए की धनराशि किसानों के खाते में एक साल में दिया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय कैबिनेट बैठक में चर्चा भी हो रही है। संभावना जताई जा रही है कि 15वीं किस्त किसानों के खाते में 4,000 रुपए की जारी की जाएगी। यानी कि आप सभी किसान भाइयों को बता दें, जो किस्तें सालाना मिलती थी, यानी कि 3 किस्तें, वही 3 किस्तें अब किसानों के खाते में 4 किस्त के रूप में मिलने वाली है। यानी कि 2,000 रुपए की 4 किस्तें सालाना किसानों के खाते में दिए जाएंगे और 1 किस्त 3 महीने के अंतराल पर जारी किए जाएंगे। यानी कि आप सभी किसान भाइयों को बता दें कि जो किसान 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे, 15वीं किस्त में विलंब होने का कारण यही है कि किसानों के खाते में जो धनराशि है बढ़कर मिलने वाली है। फिलहाल आपको बता दें कि जो किसान भाई EKYC और भूलेख सत्यापन करवा रखे हैं, उनके खाते में आज निश्चित तौर पर किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जारी की जाएगी। अगर आप पीएम किसान योजना के तहत नए किसान हैं, आपने एक भी किस्त का लाभ नहीं पाया है, तो आपके खाते में केंद्र की मोदी सरकार 28,500 रुपए की धनराशि जारी करेगी। अगर यह धनराशि आपके खाते में नहीं जारी की जाती है, तो आप अपने आसपास के CSS सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर जिसे आप बोलते हैं, सहायक जनसेवा केंद्र, वहां पर आप जाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर हो जाएगा। धन्यवाद।